अपोलो हॉस्पिटल्स लेकर आइए आज का टॉप लूजर। और आई थिंक ये मैं कुछ ब्रोकरेजेस पढ़ रहा था और ये सब बोल रहे हैं कि ये जो डील है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स डील है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये इस डील से फ़ायदा क्या होगा अपोलो हॉस्पिटल्स को, जो अपोलो हेल्थ को 14,478 करोड़ पे वैल्यू किया गया है। जेफरीज कह रहा है कि जो पहले SOTP का वैल्यूएशन था इनका, उसके हिसाब से 17,000 करोड़ का इनका वैल्यू थी, तो उस हिसाब से तो वो शायद स्ट्रीट को पसंद नहीं आया। आज तक 6% नीचे इस समय अपोलो हॉस्पिटल का स्टॉक का। हमारे साथ हेमांग भी जुड़े हैं। हेमांग, गुड मॉर्निंग। पहले तो अगर आपका कोई हाउस व्यू है अपोलो हॉस्पिटल्स पर तो इस पर बात करते हैं पहले। तो डेफिनेटली हमारा जो व्यू था वो तो पॉजिटिव था, पर ये जो डील हुई है वहां पे थोड़ी सी एक डिस्कम्फर्ट है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस, और जो जिस तरह से वो पूरी डील को स्ट्रक्चर किया गया उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, तो मेरे ख्याल से एक नेगेटिव रिएक्शन है। पर मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के बाद थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस देखी थी हेल्थ केयर में, बाद में हमने एक अच्छी स्ट्रेंथ भी देखी। और बाय एंड लार्ज अगर आप ये डील का जो पार्ट है उसको एक्सेप्ट करके कोर अर्निंग्स की अगर बात करते हैं तो उसमें एक अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं, लगभग 16-18%। तो मे बी थोड़ा टाइमिंग के लिए एक छोटा सा नेगेटिव रिएक्शन रहेगा, बट ओवरऑल वी आर क्वाइट पॉजिटिव ऑन द हेल्थ केयर स्पेस, चाहे अपोलो हॉस्पिटल हो, मैक्स हेल्थ केयर हो, ये दोनों हमारे प्रेफर्ड स्टॉक्स है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। ओके, तो ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए प्रिफर्ड स्टॉक्स, लेकिन जिस तरह से ये स्टॉक नॉक लेने लगा है, गावा जी एक बार अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट देखिए, 6% तो देखते ही देखते इसने गवा दिए हैं। अब क्या और गिरावट का डर है इधर? वेल, अपोलो हॉस्पिटल में यस ब्रेकडाउन तो मिला है 6,200 जोन्स पर। पॉसिबल है कि लो लेवल देखे, ट्रेड कर रहा है 5,864, लो लेवल जो आ सकते हैं 5,600, तो यहां से भी डाउन मूव पॉसिबल है। जो भी अगर रैलीज मिलेगी मेरे ख्याल से वो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी अपोलो हॉस्पिटल में, क्योंकि इस चार्ट स्ट्रक्चर इस बार ने आज बिगाड़ दिया है। ओके, मीनवाइल दो और स्टॉक की बात करते हैं। एक तो इंडसइंड बैंक लेकर आइए आप। मैं थोड़ा हैरान था फ्राइडे के रिएक्शन से, क्योंकि नंबर्स मुझे अच्छे लग रहे थे। इंडसइंड बैंक में कोई तकलीफ थी नहीं, 2% ऊपर इस समय। और दूसरा डिवीज लैब्स, क्या मोमेंटम है डिवीज लैब्स में। अब एक्सपायरी से जस्ट पहले थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, लेकिन अब वापस एक ब्रेकआउट आ रहा है। और इनफैक्ट एक और स्टॉक एक बार ज़रा देख लेते हैं, वो है बायोकॉन। बायोकॉन हमारी स्पॉटलाइट में आया था आज 3 दिन पहले, तब उसका रेट था 276, मुझे याद अच्छे से। और 3 दिन में देखिए 276 से 313, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने कुछ आउट परफॉर्म नहीं किया था। और या तो मार्केट कुछ सेंस कर रहा है यहाँ पर, जिस तरीके से एकदम से बैन से ही बाहर आया और जिस तरीके से स्टॉक चलना शुरू हुआ है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ये चार्ट है इसका, और अच्छा अच्छा मोमेंटम है इसका। 1 महीने में 16% का मूव आ गया। 1 साल का मूव देखेंगे ना अगर आप बायोकॉन का, तो काफ़ी अंडर परफॉर्म किया इसने, ये 3 महीने का चार्ट। लेकिन 1 साल का अगर आप चार्ट देखेंगे तो सारे के सारे मूव जो हैं लास्ट के 3 महीने की वजह से आए हैं। अच्छा, इंडसइंड बैंक को